स्वागत है आपका। कई बार आप पूछते हो ना, हमें लगता है कि आपने ये गाना पहले सुना हुआ है, पहली बार रिएक्शन नहीं दे रहे। हाँ हमने ये गाना पहली बार सुना है और अभी अभी जस्ट सुना है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड दबाना भूल गए हैं। अब ये ऑन हुआ है, अब फिर बोलते हो कि इसको पढ़नी नहीं चाहिए, इसको कोनिया है पूरा। इतना अच्छे से मैंने, और पता क्या बोलता है, रिकॉर्ड नहीं हुआ, कह रहा है बड़ा ढीला बोला तूने। मैंने कहा अब तू ही बोल लेना, एक काम कर, अब सारा रिएक्शन तू ही दे दे। गाने का नाम है गतिविधि, और गतिविधि हो चुकी है। लंबी सांस लो। मेरा मन कर रहा है इसको दे दूं दो चार। फिर तुम बोलते हो कि मैं हंसता क्यों नहीं हूं। क्यों हंसेगा तू? क्योंकि हंसने का आदत है। तो हम अभी अभी बैठ के गाना सुन रहे थे और हमने पूरा गाना सुन लिया और हमने उस पर छोटा सा रिव्यू भी दिया, और उससे पता लगा कि हमने रिकॉर्डिंग नहीं दबाया। मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, दो माइक लगे हुए हैं, ठीक है, ऑडियो मॉनिटरिंग करनी है, कैमरा भी देखना है, लाइट भी देखनी है, ये सब मैं अकेला खुद करता हूँ, ठीक है। मेरा दिमाग दस जगह चल रहा होता है। हमारे पास लड़का रख दो यार एक, ये करने के लिए। ऊपर से कुर्सी मुझे दे रखी है गंदी, तो रिकॉर्डिंग का बटन कभी कभी दबाना भूल जाते हो आप, ठीक है। गतिविधि के बारे में बात नहीं करते, स्टार्ट करते वरना और डांट पड़ेगी। और ये जो मैंने मारा ना, अगर ये तूने वीडियो में डाला ना, मैं आगे से नीति नरवन जो आ ही नहीं रही। बस ये मैंने तेरे को बोल दिया ऑन कैमरा। अगर अगर आप चाहते हो कि ये मैं डालूं वीडियो में, तो कमेंट करना, ठीक है। अभी उनको क्या पता है, कमेंट करना, ठीक है, अभी अभी, ठीक है, ओके चलो। Hey girl, let me take you to Manali. What? Milan? No, Manali, Himachal. गाना तो चले। गाना देख। Yeah, घटा चटी भीड़ हटी, महफिल में फिर दारू घटी। घटा चटी भीड़ हटी, महफिल में फिर दारू घटी। चल 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 हल चल चल चल, मेरे साथ हिमाचल चल। ना मत करियो ना मत करियो, अब ना बोलियो चलूंगी कल। गतिविधि गतिविधि, तेरी नजर की गतिविधि। गतिविधि गतिविधि, तूने करी जब गतिविधि। हुसन है वल्ला, दे तू मुंदड़ी चला। रहे कब तक सिंगल, वो तो जट भी कल्ला। सूम करा के तुझे चांद दिखा दू, चांद को तेरे कदमों में ला दू। आइज है तेरी कातिल कातिल, सुने यार से सोना मंगा दू। तेरी आइज के लिए, तेरे स्पाइस के लिए, तेरी बेस है फाड़ू, मेरी हाइज के लिए, तेरी आइज के लिए, तेरे स्पाइस के लिए, तेरी बेस है फाड़ू, मेरी हाइज के लिए। चल 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 हल चल चल चल, मेरे साथ हिमाचल चल। ना मत करियो ना मत करियो, अब ना बोलियो चलूंगी कल। गतिविधि गतिविधि, तेरी नजर की गतिविधि। गतिविधि गतिविधि, तूने करी जब गतिविधि। गतिविधि गतिविधि, तेरी नजर की गतिविधि। गतिविधि गतिविधि, तूने करी जब गतिविधि। Baby shake that thing, baby break that thing, रहमान का गाना लगा के झूम रिंग 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 रिंग। रिंग डायमंड की जेब में मेरी, तेरी उंगली का साइज मैंने लिया है। मैं क्या तुझे सरप्राइज करूं, तूने खुद ही मुझे सरप्राइज किया है। कर्ज है तेरे जेलो जैसे, तुझको मैं अब जेलू कैसे। दिन रात तुझे ऐश कराऊं, मालदार हूं मैं ना खत्म हो पैसे। वजन वजन मेरी हर बात में, जोश भरा है मेरे जज्बात में। तुझे रिजाऊं एक मुलाकात में, बन जाता हूँ सजन रात में। चल 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 हल चल चल चल, मेरे साथ हिमाचल चल। ना मत करियो ना मत करियो, अब ना बोलियो चलूंगी कल। गतिविधि गतिविधि, तेरी नजर की गतिविधि। गतिविधि गतिविधि, तूने करी जब गतिविधि। घूम घूम के घूम घूम के घूम के बूटी शेक करे, मेरे वर्स को मेरी बीट को देखो कॉपी ड्रेक करे। देखो इंडिया पागल कर चुका हूँ, घर घर में मैं बढ़ चुका हूँ। आईफा शाइफा जीत रखा है, लंबी सीढ़ी चढ़ चुका हूँ। तभी तो तभी तो तभी तो
गतिविधि तेरी नजर की गतिविधि 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 तूने करी जब गतिविधि 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 तेरी नजर की गतिविधि 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 तूने करी जब गतिविधि मोनी रॉय की वो थोड़ी थोड़ी किसकी तरह करीना कपूर कौन सी मूवी बताना नहीं ये तो हल्का बोला था ना बताना तू अपना बताना बताना हल्का मतलब यार ये थोड़ी लेजी हो रखी है ठंड है ना अच्छा बता ब्लैक कॉफी पी रही हूँ मैं क्या लेजी हो रखी हूँ तो बेसिकली मैं ये बोल रही थी कि मोनी रॉय ना वैसे तो मेरी हॉट फेवरेट है मतलब इस बंदी मेरे को वैसे ही पसंद है ये कौन सी मूवी में अभी हमने तारीफ करी थी मोनी रॉय की ब्रह्मास्त्र में वही तो थी ब्रह्मास्त्र में एक लाख बार शिवा सब तो कुछ और ही चल रहा था बट ब्रह्मास्त्र में शी वॉज द ओनली वन हु वॉज इन हर कैरेक्टर एंड वी लव्ड हर बेसिकली मजे आ रहे थे उसको देख के जब भी वो आती है स्क्रीन पे ऐसे चिल्स आ रहे थे इस गाने में स्टार्टिंग के सीन में और जब वो छोटी पर्ल वाली कुछ तो ड्रेस पहनी है ना उसने गोल्डन सिल्वर जो भी है ऊपर से उसमें जो ना वो ऐसे लग रही है कि जैसे करीना कपूर थी ना कभी खुशी कभी गम में बेबो वो उसमें पू को किसने मुड़ के नहीं देखा टाइप्स वो वाली लुक आ रही है इसमें इसकी ना मतलब शायद वो एटीट्यूड है या जो भी है जैसे वो स्टार्टिंग में बोलता है मनाली वो कहती है मिलान और हंस के जैसे जाती है ना शी इज लुकिंग सो मच लाइक हर जैसे जवान करिश्मा करीना कपूर मतलब पहले वाली तो मुझे बहुत ही सही लग रही है हर ड्रेस में जो भी एक्शंस भी बड़े सटल सटल हैं तो ये तो मेरे को सही लगती है बंदी गाना बड़ा ऐसा वाइब वाला गाना है और वो यो यो हनी सिंह का वो जो एक होता है ना वो छिछोरापन में लड़की से बात करता है वो वाला स्टाइल शुरू में दिखाया है तो वो भी एक मतलब ऐसा था ना बैक यो यो सिंह इज बैक वाला सिनेरियो वहाँ पर हो रहा है बाकी आँखों के लिए इट्स अ वेरी आई प्लीजिंग सॉन्ग डायरेक्शन और मैं देखता हूँ लाइटिंग वगैरह बड़ी अच्छी है और जैसे तू बोल रही थी वो ब्लर वाली जो फीलिंग है ना हाँ जैसे पीछे बंदे सारे ब्लर हो रहे हैं वो हो रहे हैं और ये वाला देख ये वाला शॉट देख तो इसमें बेसिकली इसको अगर वो वाला यूज़ किया होगा इसको प्रिज्म लेंस ऐसा कुछ बोलते हैं तो कैमरा के ऊपर अलग से एक लेंस लगता है जिससे ये वाला इफेक्ट आता है और वो वाला जो जिसमें पीछे लोग ब्लर हो रहे हैं वो एडिटिंग बड़े सटल हैं काफी सटल इफेक्ट है बहुत हाई इफेक्ट्स वाला गाना जो होता है वो उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है and that is what differentiates between a good video or properly ये तो of course बहुत पैसे लगे हैं इसके अंदर और काफ़ी international vibes हैं जो गाने के अंदर और जो पीछे choreography है बहुत अच्छी है वो भी मेरे को तो मतलब पीछे वाले लोगों में मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा क्योंकि lighting ऐसे कर रखी है ना तो focus में तो वो दोनों ही हैं but वो लोग भी हैं जैसे बीच में एक शॉट आता है जिसमें चार पांच डांसर्स आते हैं एक एक स्टेप करते हैं देन मोनी रॉय आती है वो एक और उसके वो कैप के ऊपर जो लाइट इफेक्ट दिया हल्का हल्का सा सो इट ड्रॉज योर अटेंशन टुवर्ड्स द मेन आर्टिस्ट तो वो बड़ा मतलब आई मतलब काफ़ी डिटेल में काम किया गया वीडियो के अंदर गाना प्यारा है गाना मेरी मैं पहले भी बता रहा था दोबारा बता देता हूँ पहले तो रिकॉर्ड हुआ नहीं ना कि ये गाना मैं मेरी वो वाली प्लेलिस्ट में मैंने डाल लिया है जिसमें वो मैं बाथरूम में गाने सुनता हूँ और वहाँ पे एक घंटा मुझे लगता है तो अब मुझे एक घंटा चार मिनट और लगा करेंगे अंदर बाथरूम में अब जब ये नहाएगा तो साथ में गतिविधियाँ चलेंगी ये बाहर से ठोकरी हो दरवाजा गतिविधि कब आएगा बाहर यार बंदा एंजॉय करता है एक ही तो जगह है घर के अंदर जहाँ शांति होती है गाने में ऐसी वाली फीलिंग भी है कि आप नॉर्मली वॉक करते हुए रोड ट्रिप पे भी ये गाना सुन सकते हो और किसी पार्टी में भी बजाओगे तो पार्टी सॉन्ग तो है ही पार्टी सॉन्ग तो है ही है मतलब थोड़ा ना नॉर्मल सटल वाला गाना भी है जैसे मेरे को ज्यादा ढूम ढड़के वाले गाने सुनने ज्यादा पसंद नहीं है इन माय नॉर्मल टाइम नहीं बट कोई डीजे अच्छे से इसको मिक्स करेगा तो ये पार्टी एक अच्छा पार्टी सॉन्ग बन जाएगा एक्शन स्टेप्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे सटल एंड वेरी नाइस एंड आई थिंक मोनी रॉय जो है वो पूरा यो यो हनी सिंह के साथ ना वो रैपर वाली वाइब और फील दे रही है पूरी बॉडी लैंग्वेज एंड हैंड मूवमेंट सो आई थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ओवरऑल द वीडियो इज नाइस ये देख उसको वो पहना रखे हैं इंडियन ज्वेलरी से वो कर रखा है और कवर कर रखा है मॉडर्न गाना बट वैसे कर रखा है ये था इनका धमाकेदार रिएक्शन का मतलब गाने पे रिएक्शन पिछला वाला तो ठंडा था तो अब जैसे हमारी कोल्ड कॉफी बिल्कुल ठंडी मतलब ये जो हॉट हॉट ब्लैक कॉफी थी ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है आपको पता है ना इसके बारे में ब्लैक कॉफी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है ब्लैक कॉफी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है वैसे ये रिएक्शन बिल्कुल ठंडा हो चुका है क्योंकि पहली बार तो हमने शिद्दत से जो बोलना था वो बोल दिया है तो अब आपको रिएक्शन अच्छा लगा है या नहीं लगा है उसकी ज्यादा टेंशन हमें नहीं है बट ये गाना आपको जरूर पसंद आएगा तो डाल लेना अपनी प्लेलिस्ट में और ठीक है और हमें कॉमेंट करके जरूर बताना वैसे जब दूसरी बार गाना सुन लेते हो ना वाइब सी आ जाती है फील सी आ जाती है बोल मैंने पिछली बार ज्यादा दिया था तो इसलिए कम बोल रही हूँ
और इसी और साथ करते हैं रिएक्शन वीडियो खत्म। जस्टिस फॉर रमन हैशटैग चलते रहना चाहिए। Because we are two professionals handling, you know, husband and wife doing some work. We are two professionals. ऐसा ही ये हमेशा मुझे डांटने के बाद बोलता है कि यार ऑफिस में मैनेजर ही डांटते थे क्या? तो मारते थोड़ी थे। पीट सकते हैं हम, कुट देंगे। तो बेसिकली हम तो बैठे थे यार बड़े लवी लवी कपल बन गए, बड़ी इसने हरकत ऐसी की। मैं चाहती थी कि हमारी पिंक पिंक स्वेटशर्ट ऐसे मर्ज हो जाए कि पता नहीं चले किसकी बाजू है। भाई मैं स्वेटशर्ट पहनी कह रही, मेरे पास भी एक स्वेटशर्ट बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है ये सेम कपड़े वाला स्टाइल। मेरे ना विंटर्स के सारे कपड़े ऊपर है, आई हैव अ वार्डरोब इन द स्टूडियो में मेरे, तो इसके मैं हमेशा ऊपर ही आके तैयार होती हूँ। तो इसने ना नीचे से ये पहन ली, कह रहा ठीक लग रही है। मैंने कहा हाँ, कह रहा तू क्या पहन रही है। मैंने कहा मैं कुछ भी कॉन्ट्रास्ट डाल लूंगी। तो मैं ऊपर आई, मेरे को याद आ गया, मैंने कहा अपने पास भी है यार ये, मैंने निकाली फिर मैंने थोड़ा सा हेट इट। अब तुम बोलोगे ये शक्ल बनाता है यार, मॉल में हाथ पकड़ चलती। ये देखो ये आदमी ही हैज बिकम जिंजर, ही इज जिंजर गार्लिक पेस्ट ओनली। अरे बट नॉट, चलो ठीक है इसके साथ करते हैं। चलो ये तो हमारी चलती रहेगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी डालता इसके मारने वाला शॉट, अगर डाला ना तूने, अबे रिश्तेदार देखते हैं गालियां देंगे, कैसी बहू है हमारी, कहीं तो मेरी इज्जत बचा। तू बहू है। लंबी सांस। मेकअप बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हारा आज, क्या बात है? आप तो तुम ऐसी बातें करोगे, तेरा मन कर रहा है।